है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फुल व्लॉग। सो इट्स मी शामिया सिद्दीकी। आई नो यू वेल, नो हो आई एम। सो मैं कहाँ जा रही थी, हल्दी के प्रोग्राम में। रिलेशन में मेरी खाला भी लगती, फूफू भी लगती, दोनों रिश्ते चलते हैं। सो उन्हीं का प्रोग्राम था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मतलब उल्टे साइड में बैठी हुई थी, वरना सीधे साइड बैठती थी, बट मतलब स्पेस नहीं था इतना, तो उल्टे साइड बैठना पड़ा। और पूरी रास्ते इतनी ज़्यादा रोड वहाँ की मतलब ख़राब थी, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। और ये मेरी सिस्टर है जिसको बूंदे पहनने के बहुत ज़्यादा शौक़ थे, तो उसने अपनी मम्मी के पहने थे, रो धो करके देखो कितनी आराम से खा रही थी। फिर यहाँ पे डेकोरेशन होने लगा था हल्दी का सारा, और मतलब जल्दी जल्दी में हुआ था, तो बस हम लोगों ने फटाफट से इसको कंप्लीट कर लिया था। और हम लोगों के साथ में उसके बाद मोए में हो चुका था, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों हुआ था। और ये यहाँ पे इसको मतलब स्टिच करना था, लेकिन ये वॉल पे नहीं हो पा रहा था, डबल साइडेड टेप लगा करके किया जा रहा था, फिर भी नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने इतनी कोशिश की, उसके बाद पूरा डेकोरेशन कर लिया था। और पता नहीं क्या मतलब ऐसा हुआ था ना कि उस दिन धूप आ रही, तो कहीं बारिश हो रही, कहीं बारिश हो रही, तो धूप हो रही है। और ये यहाँ पे जो एल लगा रही ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो ये थोड़ा उल्टा साइड लगा रही थी। फिर इन्हें बताया कि इस साइड नहीं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो गई। वेल, सारा डेकोरेशन हो गया, फिर फटाफट से हम लोग भी रेडी हो गए थे। बहुत कम टाइम बचा था, मिलाद भी होनी थी और इधर भी सारा प्रोग्राम की सारी तैयारी करानी थी। सो बस यही सब हम लोगों का होता रहा। फिर उसके बाद बाहर खाना बना था, खाने में बिरयानी बनी थी, जिसके नाम से ही सबके मुँह में पानी आने लगता, जिसके मुँह में आया वो सब लोग पी जाए पानी अपना। और यहाँ पर खालू को पीनी थी चाय, तो खाला स्पेशली खालू के लिए चाय बना करके ले गई आई थी। वहाँ पर जितने लोग थे सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी पी थी। और फिर मुझे यहाँ पे खड़ा किया गया था कि दूध देख रहे ना उबालना है, और जो हल्दी का सारा सामान था वो सारा था वहाँ पे। और हम लोग के साथ में मोए में यहाँ पे हुआ था, क्योंकि बिकॉज हम लोग ऊपर रह गए और नीचे सारा प्रोग्राम हो चुका, किसी ने भी हम लोग को नहीं आवाज़ दी, बुलाया तक नहीं, सब ढूंढ रहे कि कहाँ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ना फ़ोन या कॉल कुछ कर ले। तो बस यहाँ पे पहनावन के कपड़े आए थे, वही दादी नानी जो मेरी डिरेक्शन में उनके लिए, तो उनको पहनावन के कपड़े दिए गए थे, और मिठाई वगैरह लेकर आई थी, और हकीका भी था दोनों बेटियों का। तो ये सब सारा प्रोग्राम्स वगैरह मतलब होता रहा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया था, हमने नहीं किया था, आई मीन जो उनकी सिस्टर थी उन सब लोगों ने डांस किया था, डीजे लगा था। और यहाँ पे देखिए पूरा प्यारा सा सूट आया था, बहुत अच्छा था। सारी ऑलमोस्ट प्रोग्राम की सारी तैयारी हो चुकी थी, ये सब हल्दी का डेकोरेशन जो आधे से ज़्यादा बच्चों ने मतलब सब हटा दिया था। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कुछ आप अपने घर में डेकोरेट करें और आपके वहाँ के घर के बच्चे कुछ इसको हटाएं ना, तो ऐसा कुछ वहाँ भी हुआ था। और फिर लास्ट में मतलब इतनी भूख लगने लगी थी, क्योंकि घर पे रहो तो कुछ ना कुछ खाते रहो, वहाँ पे कुछ खाने को भी नहीं मिला था। यहाँ पे मुँह मिठाई हो रही है, मैं मुँह मीठा कराया जा रहा है। वेल, ये देखिए बुशरा डांस कर रही है, इसको इतना ज़्यादा डांस करना पसंद है, आई कांट एक्सप्लेन। बस जैसे ये सब कर रही थी वैसे ही सबको डांस देख करके करने लगी, और यहाँ पर इन्हें पकड़ के लाया जा रहा था कि आप डांस करिए डांस करिए। तो मुझे तो मेरे लिए भी ले लो अपनी गाड़ी से, लाओ दो, थैंक यू, वेलकम। नहीं बोला और है? और है? नहीं है और? अच्छा बाद में दे देना, ठीक है डन। ये दो मेरी,